आज दोपहर बाद गोपीनाथ मुंडे का अंतिम संस्कार होना है उनके पैतृक गांव परली में। ये बीड़ इलाके में गांव है जहां कुछ देर पहले उनका पार्थिव शरीर पहुंचा है हेलीकॉप्टर के जरिए। साथ में परिवार है, समर्थक बड़ी संख्या में हैं और कई शीर्ष नेता परली पहुंचने वाले हैं। आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए। लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और कई शीर्ष नेता पहुंचने वाले हैं वहां पर परली, ये पैतृक गांव। यहाँ बड़ी संख्या में उनके समर्थक जमा हुए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं पार्थिव शरीर के पहुंचने का। सुबह से बहुत भावुक माहौल है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, हजारों की संख्या में लगातार अंतिम विदाई देते हुए आगे बढ़ रहे हैं लोग। और कुछ देर पहले गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे अपील कर रही थी शांति बनाए रखने की। उद्धव ठाकरे पंकजा मुंडे को ढांढस बताते हुए पीछे आपको दिखाई दे रही है। पूनम महाजन सांसद चुनकर आई हैं मुंबई से और इस वक्त दोनों परिवारों के लिए एक बड़ी वेदना का समय। 8 साल पहले प्रमोद महाजन का निधन हुआ था और रिश्तेदार हैं उनके गोपीनाथ मुंडे। आज सुबह मुंबई से उनके पार्थिव शरीर को वायुसेना के विशेष विमान के जरिए लातूर लाया गया और फिर लातूर से हेलीकॉप्टर के जरिए परली पहुंचाया गया है। प्रज्ञा मुंडे, पंकजा मुंडे और उनकी दो और बहनें आप देख रहे थे तस्वीरों में, इस वक्त मुंबई से लातूर होते हुए पार्थिव शरीर को परली पहुंचा दिया गया है। मनोहर पारिकर और राजीव प्रताप रूडी, तमाम बीजेपी के शीर्ष नेता और जो उनके साथ काम कर चुके हैं या उनके समर्थक हैं लगातार पहुंच रहे हैं। कल दिल्ली में पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी थी सभी शीर्ष नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फिर मुंबई में समर्थकों और कार्यकर्ताओं को तांता लगा रहा और आज सुबह लातूर के रास्ते परली अब पहुंचा गया उनके पार्थिव शरीर को। हम पल पल की जानकारी आप तक ला रहे हैं, बने रहिए है।